हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल इंडिया SMM के में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी की स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल से जनरल रिन्यूअल और माइनॉरिटी रिन्यूअल की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुकी है और ये 20 फरवरी के बाद से अब दोबारा आना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में माइनॉरिटी फ्रेश कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये गुड न्यूज़ है माइनॉरिटी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लिए। उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए माइनॉरिटी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं आज से उनकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी खाली स्कॉलरशिप आई है, फीस वापसी नहीं हुई है। जो कैंडिडेट्स मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर और कमेंट्स करके बता रहे हैं कि भाई हमारी स्कॉलरशिप 5,000 आई है, 6,000 आई है और आएगी या नहीं, तो आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अभी स्कॉलरशिप आई है, जो फीस है आपकी, फ़ीस वापसी जो होगी वो 102 दिन में कर दी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक BSc के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के माइनॉरिटी में, उनकी स्कॉलरशिप आई है। तो फ्रेंड्स, मैं PFMS पे आपको दिखा देता हूँ। ये आप PFMS खोल लीजिए और जो अकाउंट है इनका वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। अभी तक माइनॉरिटी फ्रेश कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई थी, मगर आज से आना स्टार्ट हो गई है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और ये कैप्चर कोड डाल देता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि PFMS नहीं चल रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, PFMS चल रहा है, आप लोग सही तरीके से लॉग इन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कैप्चर कोड डालने के बाद सर्च पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, देखिए ये अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अभी इनकी 5,830 रुपये आई है। ये BSc के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के। ठीक है, माइनॉरिटी में हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, उनका नेम नहीं दिखा सकता मैं आपको। यूपी स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं और ये 5,830 रुपये इनकी आई है और अभी अंडर प्रोसेसिंग CBS है। ठीक है, आपको एक और कैंडिडेट की दिखाता हूँ जो BTech के हैं। BTech के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बैंक सेलेक्ट करके इनका अकाउंट का नाम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालते हैं। तो वीडियो पॉज करता हूँ और लॉगिन करके आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है और अब कैप्चर कोड डाल देता हूँ। ये मैं BTech के कैंडिडेट की दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, स्टूडेंट हैं, इनकी 6,050 रुपये आई है। ये इनकी स्कॉलरशिप है और फीस अभी वापसी नहीं हुई है। फीस इनकी अभी 1-2 दिन में इनकी फ़ीस वापसी भी हो जाएगी। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये इनकी साल की स्कॉलरशिप है और जो पिछले साल की स्कॉलरशिप है वो इनकी ये हैगी 31/3/2018 को 1840 और ये 21,000 आए थे। ठीक है, और ये इस साल की है 6,050 रुपये। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आज से आना स्टार्ट हो गई है जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, और आई थिंक जनरल की फ्रेश कैंडिडेट्स की 2-3 दिन में उनकी भी आना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी जिसके बाद कोई भी बेनिफिशियरी काम नहीं किया जाएगा। और जिन भाइयों का भी नो डेटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग वेट करें। और आपसे फिर से मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज भी 2-3 कैंडिडेट के मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गई है, मतलब 56,000 आई, 50,000 आई स्कॉलरशिप और लिमिट एक्सीड कर गई 50,000 और उनका बैलेंस रिटर्न चला गया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट, अपना अकाउंट जनरल में करा के रखें और अपने अकाउंट में पैन कार्ड वगैरह सब कुछ जमा करके रखें और आप कांटेक्ट करिए बैंक में जाकर और पूछिए कि भाई हमारी लिमिट कितनी है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।